जी हाँ दोस्तों, आज मैं ला चुका हूँ, मेरा नाम पवन चंद्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर सनलाइट चैनल को। और आज हम बात करेंगे ड्रोन डिलीवरी वाले कंसेप्ट की। ड्रोन डिलीवरी का कंसेप्ट अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और जो ये कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, इसकी वजह से तो टेक्नोलॉजी बूस्ट होने लग गई है। रोबोटिक्स देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए, और अब ड्रोन का कंसेप्ट जो कि हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ड्रोन होता क्या है? ड्रोन आप ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि आसमान में उड़ सकता है, एक ऐसी हाइट पर जिससे हम देख सकते हैं, मतलब ये मान लीजिए जहाँ पे हमारी आंखें उसे देख सकती हैं उस लाइन पर, और वो कुछ भी कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम सेना की बात करें तो सेना के लिए ऑपरेशंस कर सकता है, जैसे कि उसमें अगर हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स डाल दें तो वो फायरिंग भी कर सकता है ना, जैसे ऊपर से फायरिंग कर सकता है और निगरानी कर सकता है बॉर्डर्स वाले इलाके की। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो चाइना का अनमैन्ड हेलीकॉप्टर लाइक ड्रोन है, हेलीकॉप्टर जैसा ड्रोन बना दिया, मतलब एक ड्रोन तो छोटी चीज़ होती है, उसको बड़ा बना के हेलीकॉप्टर जैसा बना दिया, और वो अनमैन्ड निगरानी करेगा इंडियन बॉर्डर के, वहाँ पे जहाँ पे मुश्किल टेरेन्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं, तो वहाँ इंसान नहीं जा सकता लेकिन ड्रोन जा सकता है वहाँ निगरानी करने। अब दूसरी चीज़ अगर बताऊँ, जैसे कि आपने व्लॉग्स देखे होंगे काफ़ी यूट्यूबर्स के, तो उनमें वो ड्रोन शॉट्स लेते हैं, है ना, लेते हैं ना, तो वो ड्रोन वहाँ पर भी मदद करते हैं, ड्रोन मदद करते हैं आपकी। अब नया कंसेप्ट आ गया ड्रोन डिलीवरी का, कोई चीज़ डिलीवर करनी हो यहाँ से लेकर वहाँ तक। और अभी आपने काफ़ी बार देखा होगा कि अबू धाबी में काम चल रहा है कि वहाँ पर जो जैसे हम ऑटो में यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो वो अब ऑटो में नहीं जाएंगे, एक ड्रोन में बैठ के 50 किलोमीटर का सफ़र आराम से कर सकते हैं एक टाइम के अंदर। तो ये भी कंसेप्ट चल रहा है जो कि आने वाले टाइम में हमें दिखेगा। लेकिन आने वाला टाइम जो है, हम आने वाला टाइम मतलब कि अब लॉकडाउन के बाद, यानी कि कोरोना वायरस के जो ये सब अनलॉक फेज 1, इसके बाद जब पूरी तरीके से अगर खत्म भी हो जाता है, तो उसके बाद हम बहुत जल्दी देख पाएंगे कि टेक्नोलॉजी हम लोग अडेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमें बहुत जरूरत बन चुकी है इस टाइम पर, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, उसके बाद आप कह लीजिए रोबोटिक्स कह लीजिए, जहाँ पे वो हॉस्पिटल्स में सर्व कर रहे हैं, होटल्स में सर्व कर रहे हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इन सब के अंदर लगी पड़ी है। तो ये सारी चीज़ मिलकर हमें बताती है कि अब इंटरनेट की वजह से हम कितने आसान महसूस कर पाते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी की है, और वहाँ पे इतनी बड़ी बीमारी में जो हमें सतर्कता बनानी होती है, कॉन्टैक्टलेस चीज़ें करनी होती है, तो ड्रोन उसमें कितना फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आगे बढ़ता हूँ, फूड डिलीवरी जो है, जोमेटो आपने सुना होगा, स्विगी, डोनजो जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड स्टार्टअप्स हैं, जो कि काम करते हैं आपको फूड डिलीवरी करके दिखाते हैं, तो उनको जो है DGCA ने मंजूरी दे दी है कि वो अपनी टेस्टिंग शुरू शुरू कर सकते हैं। कब से वो शुरू कर सकते हैं अपनी टेस्टिंग? जुलाई जुलाई से, ठीक है ना। और ये टेस्टिंग जो है, वैसे तो जोमेटो ने तो वैसे भी परमिशन लेके टेस्टिंग पहले भी स्टार्ट कर चुकी थी इंडिया के अंदर, लेकिन अब जो है स्पाइस जेट नाम की कंपनी ने भी मई में जो है ये मंजूरी ले ली है। लेकिन मंजूरी सिर्फ स्पाइस जेट को नहीं दी गई है, मंजूरी 13 और, मतलब ये तो तीन तीन तो मैंने नाम बता दिए, डुनजो, स्विगी, जोमेटो और अस्ट्रिया एरोस्पेस, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डुनजो, जोमेटो, स्विगी, डुनजो टू स्टार्ट बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पे जो है बात आ जाती है कि 13 और भी संस्थाएं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 13 कंसल्टिया, जैसे कि 13 ऐसे लोग कंपनीज और भी हैं जो कि इसी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, ड्रोन डिलीवरी के ऊपर, उनको भी मंजूरी दे दी गई है, ठीक है ना। तो मई में जो स्पाइसजेट गया DGCA के पास, और उसने कहा भैया भैया मुझे परमिशन दे दो, तो उसने कहा ठीक है लो परमिशन ले लो और जुलाई 1 से तुम स्टार्ट करें। लेकिन उन्होंने कहा कि 100 दिन तक तुम्हें जो है फुल टेस्टिंग करनी होगी, 100 दिन तक जो है फुल तुम्हें टेस्टिंग करनी होगी, तब जाकर। टेस्टिंग कहाँ करेंगे? टेस्टिंग करेंगे जो आसमान में उड़ाने की। हाँ भाई, अगर तुम उड़ा रहे हो तो देखो ना कैसे कहाँ कहाँ उड़ाना है, किस जगह पर नहीं जाना। जैसे अगर कोई बिल्डिंग्स है, जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है, बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं फिर कुछ ऐसी हो जाती हैं, कुछ ऊबड़ खाबड़ जैसी होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही लेवल पर सारी बिल्डिंग्स, ऐसा नहीं है। कोई फ्लैट्स है तो बहुत ऊपर है, कोई घर है तो बहुत सी नीचे हैं, तो उस जगह पर अगर मैनेज करना है तो हर एक चीज़ के अंदर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए जो 100 दिन का टाइम दिया गया वो है। लेकिन जोमेटो ने यहाँ पे किया हुआ था, यानी कि पहले जो पिछले साल इन्होंने जोमेटो ने किया हुआ है, ये आपको बताता हूँ कब की बात है। ये बात है जब उन्होंने बताया कि उन्होंने 5 किलो का एक वजन था, उसे 5 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर 10 मिनट में पहुंचा दिया, समझ रहे हैं ना, 10 मिनट के अंदर। और स्पीड कितनी अटेंड कर ली थी ड्रोन ने? 80 किलोमीटर पर आवर, मान रहे हैं। अब जो बाइकर है, जो बाइक में हमें मोस्टली तो हमें बाइक में मिलता है, बाइक वाला जो है डिलीवरी बॉय आता है वो सामान देता है, तो वो जो डिलीवरी बॉय वो काफ़ी बार जाम में फंसता है। अब वो जाम में तो फंसेगा ही, ऊपर से वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अगर पेशेंट्स के साथ या फिर कुछ ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए तो आपको भी जो है इन्फेक्ट कर देगा, है ना, उसको भी बीमारी हो जाएगी, आपको भी, तो दोनों लोगों का घाटा हो जाएगा बेकार का, है ना। तो यही चीज़ को रोकने के लिए अब इसी चीज़ को रोकने के लिए ये जो है स्टेप उठा रहे हैं। दूसरी क्यों उठा रहे हैं स्टेप? क्योंकि स्पीड आएगी। जब जैसे बंदा वहां से आता तो ट्रैफिक उसको फील करता था कि भाई अगर हाईवे में आ रहा है टोल प्लाजा में रुकेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कहीं जाम पड़ गया, देखो अगर गुड़गांव दिल्ली इनकी बात करो तो आम है बात जाम पड़ने की, तो वहां पर फंस, तो जहां
30 मिनट का जहाँ टाइम लगता था, वहाँ आप सिर्फ 15 मिनट का टाइम में वो आराम से आपको घर डिलीवरी कर देगा ड्रोन। लेकिन ये आपके घर नहीं आएगा, क्योंकि क्यों भाई, इतने ड्रोन की कैपेसिटी तो है नहीं अभी कि हर किसी के घर में ड्रोन। बहुत मुश्किल होता है ना, एक तो सुपरविजिंग करना होता है, उसकी मॉनिटरिंग करना होता है कहाँ कहाँ गया वो। तो अभी शायद से जो है ये स्टार्टिंग के जो टाइम पर जो है ये ड्रोन डिलीवरी का कंसेप्ट कहाँ लाया जाएगा, सिर्फ ये मान लीजिए इमरजेंसी मेडिकल पार्सल्स में, जो कि क्योंकि देखिए अब मेडिकल इक्विपमेंट्स अगर हर किसी के पास पहुंच, अब कल के दिन अगर वैक्सीन आई तो हर किसी के पास पहुंच रही है कि नहीं, अगर वो देखो जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी वहां तक तो पहुंच जाएगी वैक्सीन, है ना, जहां पे लोग शहरों में रहते हैं थोड़ा बहुत, अगर गांव में भी रोड पहुंच चुके तो आप। लेकिन जो बहुत दूर दराज के लोग हैं, जैसे हिमालयस में, जैसे कि लद्दाख जैसे इलाकों में, या फिर मान लीजिए हिमाचल प्रदेश के कुछ पीछे वाले इलाके में, उत्तराखंड के कुछ पीछे, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पीछे वाले इलाकों में, जहां पे बिल्कुल वो एक जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, रिमोट लोकेशन है, वहाँ पे ड्रोन की जो एक बहुत ही अहम भूमिका होने वाली दोस्तों। तो यही सब भूमिका थी। अब अगर मैं बताऊँ कि आने वाले टाइम में हम इसे देखते कब, इसे आप 1-2 साल में देखते दोस्तों, है ना, लेकिन अभी जो लॉकडाउन का समय है, इसने इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत बना दी है कि अब इसे हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं अपने टाइम पर। और विजुअल लाइन ऑफ साइट, जिसे BLOVS कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म BLOVS, ये टर्म अक्सर किसके लिए यूज़ होता है, ड्रोन्स के लिए यूज़ होता है, देखिए, है ना, कि ड्रोन्स सही से उस लाइन, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं, फिर ऐसे नीचे को होती हैं, फिर ऊपर को जाती हैं, तो वहाँ पर अगर ड्रोन्स को, जो मशीन्स हैं ना ड्रोन्स, उनको अगर वहाँ पे ऑपरेशनल बनाना है तो हर चीज़ का वो होना चाहिए, तो उसके लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करेंगे। तो और भी कई पैमाने हैं ना, तो यही था मैंने जो आपको वीडियो में बताया, ड्रोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले दोस्तों। और मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स की जो वीडियो बनाने वाला हूँ कि देखिए होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, रोबोट्स क्या होते हैं, ह्यूमनॉइड्स क्या होते हैं, काफ़ी बार लोगों को डिफरेंस पता नहीं चलता, रोबोट्स में अलग डिफरेंस, ह्यूमनॉइड्स में 5G का डिफरेंस नहीं पता चलता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, कि वो रिलेट नहीं कर पा रहे, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है अपने आप से। तो वह उसमें आपके लिए वीडियो लाऊंगा आने वाले टाइम पे, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।